अभी हम नेक्स्ट पार्ट हमारा देखते हैं सिंपल. हम अभी हमने देखा सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने दो पार्ट देखा, लीनियर एंड एंगुलर. तो लीनियर का हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है. तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में फर्क क्या है? तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैंने बताया लीनियरली मूव होगा. अगर सपोज मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, ये मेरा सेंटर है सी, ये एक्सिस है ए एंड ए डैश, ये सपोज पी ए पोजिशन एंड पी डैश अपोजिट पोजिशन. वैसे ही पी वन पी टू पी थ्री, पी वन डैश पी टू डैश एंड पी थ्री डैश, और ये सेंटर सी एंड ये आएगा बी डैश बी वन बी टू बी थ्री, ओके. तो ये क्या है? अभी सबसे पहले सी सी बी वन बी टू बी थ्री, ये सब मेरे प्रोजेक्शन है. प्रोजेक्शन मीन्स मेन पार्ट. अभी जैसे मैंने सी लिया सेंटर, ठीक है, सेंटर लिया, लेकिन मेरा पोजीशन क्या था? पोजीशन मेरा पी था. तो जब मेरा ए से पी मूव होगा कंटिन्यूसली, तो वो कहाँ पर आएगा? सेंटर में आएगा. सेंटर से फिर से मूव किधर होगा? सी पी डैश की तरफ, ठीक है. तो ये कंटिन्यूसली मोशन चलता रहेगा. अगर मेरा मोशन कुछ चेंज हुआ मीन्स पी डैश के पास गया, तो अभी ए मेरा कहाँ मूव हो रहा है? पी डैश पे. मीन्स जो पेंडुलम था वो पी डैश, पी डैश से अगर मैं मूव करता हूँ तो वो कहाँ पर आएगा? प्रोजेक्शन बी वन डैश पे, ठीक है, बी वन पे. बी वन पे जैसे ही आया, फिर वहाँ से वो कहाँ मूव होगा? बी वन पी वन डैश पे. तो ये क्या होता है? ये मोशन कंटिन्यूसली होता रहेगा. लेकिन जितना मेरा प्रोजेक्शन ऊपर आ रहा है, तो मेरी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है. मीन्स वेव वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है. तो ये जो भी है, ये मेरे हैं प्रोजेक्शन बी वन बी टू बी थ्री एंड सी. तो जितना ज़्यादा ये पॉइंट ऊपर आएगा, उतना वेलोसिटी मेरा इंक्रीज होता जाता है, ठीक है. तो ये जो पार्ट है, ये सिंपल हार्मोनिक है, लेकिन लीनियर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लीनियरली मूव हो रहा है. जैसे मैंने ये बोला पी, पी कहाँ से मूव होगा? ऐसे से मेन पोजिशन सेंटर पे आएगा, सेंटर से फिर पी डैश की तरफ, फिर कंटिन्यूसली. अगर मैं पी का पोजिशन चेंज कर देता हूँ, मीन्स इनिशियल पोजिशन उसका बी था, लेकिन अगर मैं पी वन से लेता हूँ, मीन्स पोजिशन चेंज कर दिया, तो पोजिशन चेंज करने के बाद प्रोजेक्शन मेरा बी वन रहेगा, और बी वन से फिर इधर मूव होगा, और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है, क्लियर हुआ. तो मोशंस मेरे क्या होंगे? अलग अलग पोजिशंस पे अलग अलग प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है. तो पोजिशन चेंज होगा तो प्रोजेक्शन चेंज होगा, ठीक है. प्रोजेक्शंस कंटिन्यूसली लीनियर में चेंज होते जाता है.